चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, वहीं तीसरे चरण के लिए चुनावी अभियान जिस तरीके से तेज होता जा रहा है, और वहीं बात करें तो तीसरे चरण में मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, ये अन्य सीटों पर मतदान होना है। और जिस तरीके से बात करें जनपद मैनपुरी की, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर चुनाव जो है रोमांचक स्थिति पे पहुंच गया है, जहां गृह मंत्री ने आज किसनी में जनसभा की और संदेश दिया है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य सोबरन सिंह यादव जी, और उनसे जानते हैं किस तरीके से जो चुनाव चल रहा है और तीसरे चरण के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की, जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है अब की बार 400 पार। स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं तथा जनपद वासियों को एवं लोकसभा क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता को सभी को हम आपके बाद चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए ऐसा है, आज अमित शाह जी हमारी किसनी विधानसभा क्षेत्र में आए थे, लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी। तो देखा है, आपने देखा होगा कि जितनी ओमी जो छोटी छोटी गाड़ियां जो होती हैं वो आपने देखा सब पे यूपी 84-80 आगरा फिरोजाबाद की गाड़ियाँ यहाँ से करेल होके गई। हम लोग देखते रहे एक एक गांव में, चचर गांव में उनके खाली 20-20 सवारियाँ मैंने खुद देखी। तो बाहर की भीड़ लाई गई है, यहाँ ना कोई चुनाव है अब तक नहीं रहा है, पहले भी आपको बता दिया है मैंने। अच्छा, भारी संख्या में भीड़ रही वहाँ तो? नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, दूर दूर कुर्सियाँ लगा दी गई, छोटा पंडाल था। और बहरहाल यहाँ हमें जानकारी दी है वहाँ के लोकल लोगों ने कि वहाँ जो कुर्सियाँ डाली गई दूर दूर पड़ी हुई थी, और जो भीड़ थी वो दूर रखी गई, छोटा पंडाल बनाया गया था। और जबकि आपको आज पता हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आज इधर प्रोग्राम थे पश्चिम में दूसरी जगह, तो वहाँ बहुत भारी संख्या में लोग जुट रहे। और एक तरफा चुनाव है, देखा आपने कि एटा देखी आपने, भीड़ हमेशा से ज़्यादा रही। और जबकि हम फरुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इनमें चुनाव कहीं बिल्कुल नाममात्र के लिए नहीं है। बहुत हम करीब 400 वो 400 जो पार का नारा था अब वो बिल्कुल धीमा पड़ गया है, बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। इसलिए अमित शाह की यहाँ फरुखाबाद से भी लोग आए आज मीटिंग में, आज यहाँ बाहर से लोग आए गए, मैनपुरी जनपद के बहुत लोग कम थे। और यहाँ तो सरकारी लोगों को भी ले गई, आशा वगैरह जो थी आपने समूह वाली लेडीज थी उनको भी ले जाया गया, उनको खाना दिया गया, लोग खाना के लोभ में, इसलिए वहाँ में थोड़े बहुत लोग आए बाहर से, जनपद में कहीं कोई चुनाव। अच्छा, जिस तरीके से बात करें पहला और दूसरा चरण 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, अब तीसरा चरण जो है जिस तरीके से 7 तारीख पास आती जा रही है और चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, और जिसमें चाहे बात करें फिरोजाबाद की, चाहे बात करें बदायूं की, चाहे बात करें जनपद मैनपुरी की, तो क्या देखते हैं इन सीटों पर? इन सीटों में ये है कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं, अब कल जैसे था 88 सीटों पे था, पहले 8 सीटें यूपी की, वो कहना यूपी की 8 पहले चरण में थी, 8 उसमें थी, इसमें कम से कम 8 सीटें आपकी NDA गठबंधन कम से कम जीत के जा रही है। और वो तो राजस्थान में भी खेल आप लोगों के माध्यम से पता लगता है, जो लोग ड्यूटियों पर गए वहाँ लोग नौकरी करते हैं उनके माध्यम से पता चल रहा है। इस साल 1 से 90 के करीब आपकी जो NDA है, जो अभी सरकार BJP है, तो उनकी केवल 1 से 90 से ज़्यादा की नहीं जा रही है सर्वे के अनुसार जी। अच्छा, वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं इस बार, अपने मुँह से कुछ भी कह लो, यहाँ आपके मैनपुरी में कहीं 50-50 तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ केवल दबाव बनाया जा रहा है। सही बात तो ये है, कुछ लोग यादव प्रधान गए हुए
उम्र गए उनके घर के, उनकी पत्नी की वोट थी देखी, ये भी बता दिया। जिस तरीके से आपने बात करी यादवों की, आज ही किसने में लगभग लगभग दो दर्जन से अधिक यादव जो है शामिल हुए हैं। ऐसा है कि आपने देखा हो यहाँ साफ समाज अन्य वर्ग भी पिछड़ा जितना समुदाय है हमारा, और मैं छत्तीस समाज की भी बात कर रहा हूँ, पश्चिम भी आ रहे और यहाँ भी आ रहे गए, और यहाँ भी छत्तीस समाज भी हमें समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। अच्छा, जिस तरीके से बात करें जनपद मैनपुरी की बात कर लें तो नंबर दो पर शाक मतदाता आता है, और वहीं आपने बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए थे गुलशन देव शाह को आपने कैच कर लिया और मिला लिया, इसका क्या फर्क पड़ेगा? हम लोगों ने मिलाया नहीं है, वे स्वेच्छा से ही आए हैं और हम लोगों ने कोई उन पर दबाव नहीं दिया है। यहाँ साख समाज हमेशा ठगा गया है, और जो साख समाज में पहले जितना वोट मिला था उतना एजेंसी को नहीं मिलेगा। अब बीजेपी को इतना वोट नहीं मिलेगा, पहले तो ज्यादा मिला था, पहले मिला था, अब की बार नहीं मिलेगा, उतना नहीं पहुँच रहा है। प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं कहता हूँ प्रत्याशी है, लेकिन साख समाज के साख को ठगा महसूस, बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है। आपने देखा है कि हमने जो बगल में सीटें हैं एटा है, और आपने देखा बाबू सिंह कुशवाहा है, आपने देखा है कि नमल किशोर फरुखाबाद से हैं, तो जो ये समाजवादी पार्टी के लोग बढ़िया थी हमारी सीटें, वहाँ पर भी सात लोग ही जीत के आगे बढ़ रहे हम लोग फरुखाबाद से। देखिए इस तरीके से बात करें, चाहे फरुखाबाद की बात करें, चाहे मैनपुरी की बात करें, चाहे एटा की बात करें, तो मैनपुरी की बात करें तो नंबर दो पर शाक मतदाता है, क्योंकि निर्णायक वोटर है, और जिस तरीके से पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुवर्ण सिंह जी का कहना है कि शाक जो है उनके साथ है, निश्चित तौर पर 7 तारीख को वोट पता पड़ेगा और 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन विजय होगा और कौन पराजय होगा। कैमरा पर्सन राजा फारूकी के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट मैनपुरी से।